तो देखिए उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से नौकरियों की सौगात दी है। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7182 एएनएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में लगातार पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जा रही हैं। किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थियों को चयन के लिए सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस मौके पर सीएम योगी ने दिमागी बुखार जैसी बीमारियों पर पूरी तरह नियंत्रण करते हुए राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तारीफ की। एनीमिया को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है, मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेरिफिकेशन पर फोकस करने के निर्देश दिए। देवभूमि की शांत वादियों में लव जिहाद का जहर घोलने की साजिश चल रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद धामी सरकार एक्शन मोड में है। देहरादून में सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक ली, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम धामी ने लोगों के वेरिफिकेशन पर फोकस करने को कहा है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों में आप देखा होगा लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये था कि जहाँ पे जो कानून के खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। इस बीच आजमगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जेल में सुविधाएं मांग रहा है बाहुबली। जज से सपा विधायक रमाकांत ने मांग की है ड्राई फ्रूट्स मिनरल वाटर दिया जाए। निजी खर्चे पर डॉक्टर की भी मांग की है। और दरअसल आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक रमाकांत यादव की वर्चुअली पेशी हुई थी। इसी दौरान रमाकांत यादव ने जज से खराब तबियत का हवाला देते हुए कहा कि सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। बीमारी की वजह से उसे ड्राई फ्रूट मिनरल वाटर और इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है। तो देखिए निजी खर्चे पर डॉक्टर की उपलब्धता हो ये मांग की गई है रमाकांत यादव की तरफ से। ये हमको ड्राई फ्रूट दिया जाए हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है क्योंकि हम बीमार रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें पानी जो वैसलरी का पानी हम पीते थे सामान्य पानी देने। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।